आज मैं एक बंगाली डिश लेके आई हूँ। इसे बोलते हैं इचोड़ चीनी। इचोड़ का मतलब होता है कटहल। जब छोटा होता है इसके छोटी छोटी बीज होते हैं, और चीनी मतलब होता है प्रॉन। तो इस रेसिपी को मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है। ये हर एक फेस्टिवल में बनाया जाता है, यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं शताब्दी द किचन में। हेलो फ्रेंड्स, मैं शताब्दी, और शताब्दी द किचन में मैं अपने सारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ। आज मैंने यहाँ पर 300 ग्राम प्रॉन ले लिया है। इसको अच्छे से धोया है, कम से कम 7 से 8 बार नल के नीचे। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और नमक ऐड कर दिया है, और इसको मैरिनेट करके मैं थोड़ी देर रखूँगी, 5 से 7 मिनट तक। इसी साइज का प्रॉन लीजिएगा। इसी रेसिपी में इसी साइज की प्रॉन ले ली जाती है। अब देखिए, कढ़ाई को मैंने यहाँ पे गर्म करने के लिए रखा, और इसमें ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल में ही मैं बनाऊंगी। इसलिए मैंने जो प्रॉन अभी मैरिनेट किया था उसको मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। प्रॉन इसलिए इस साइज का लेना है, इससे अगर हम छोटा लेंगे तो वो और भी ज़्यादा सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं। प्रॉन बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, और इसका कलर जो है जैसे ही रेड होता है तो इसको उठा के रख लेना होता है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके लाइक और कमेंट्स से मुझे पता चलता है कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती है। तो यहां देखिए, प्रॉन जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसको बार बार जो है पलटना पड़ता है दोनों साइड से। अच्छे जैसे ही फ्राई हो जाते हैं तो गैस ऑफ कर दूंगी, और इनको मैं उठा के एक प्लेट में रखती जाऊंगी। ये वाली रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है, और हर एक फेस्टिवल में इसको ज़रूर बनाया जाता है, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने देखिए, उसी कढ़ाई में मैंने कम से कम 300 से 400 ग्राम कटहल ले लिया था। कटहल मतलब जो मैंने इचोड़ बोला है ना, वो इसके बीज जो है बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और ये जब बन जाता है तो बहुत टेस्टी होते हैं। छोटे छोटे पीसेस में मैंने आलू, एक बड़ा आलू भी ले लिया है, उसको छोटे पीसेस में काट लिया। अब गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा देती हूँ, और इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है चेंज नहीं हो जाता। आज मैंने जो इचोड़ को मतलब कटहल को उबाला नहीं है, डायरेक्ट मैंने इसको फ्राई किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम कलर चेंज हो गया है। तो गैस ऑफ करने के बाद इसको भी मैं एक बाउल में उठा के रखती जाती हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, और खाने में बहुत टेस्टी है। चाहती हूँ कि आप सब एक बार जरूर बनाएं। अब उसी ऑयल में मैंने 3 तेज पत्ता डाला, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया, 2-3 इलायची डाल दी, और 3-4 मैंने लौंग डाल दिया। अब इसको थोड़ा समय फ्राई कर लूँगी, बस 30 या 45 सेकंड के लिए। इससे एक अच्छी सी खुशबू आती है। मैंने 2 बड़े प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये देखिए इस तरह से। और इसको मैं इसमें ऐड करने के बाद प्याज को बिल्कुल रेड होने तक फ्राई कर लूँगी। जो फ्रेंड्स आज मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, प्याज जो है आराम से रेड कलर का हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का एक पेस्ट बनाया था, लगभग 1.5 चम्मच के बराबर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 चम्मच भर के मैं डालूंगी कश्मीरी मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी। इससे कलर जो है बहुत अच्छा आता है। रेसिपी के कलर के ऊपर भी खाने का टेस्ट बढ़ता है। फ्राई तो बहुत अच्छे से करना है। जैसे ये फ्राई हो जाता है, इसमें मैंने देखिए पहले से ही 2 टमाटर को पीस के रखा था फ्रेंड्स। इसको मैं इसमें ऐड करती हूँ, और साथ में ऐड कर दूंगी 1 चम्मच मतलब 1 छोटा चम्मच नमक का। टमाटर के बाद नमक जरूर ऐड करना पड़ता है, इससे क्या होता है टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है, मतलब कि अच्छे से मैश भी हो जाता है, और आराम से जो है ये पक भी जाता है। मसाले को अब मैं कड़छी हिलाते हुए अच्छे से फ्राई करूंगी। मसाले को फ्राई जितना ज़्यादा अच्छे से करना है, उतनी ही रेसिपी टेस्टी बनती है। इसको तब तक मुझे फ्राई करना है जब तक कि इसमें से जो पानी है ना वो सूख ना जाए, और देखिएगा तेल सेपरेट होके दिखने लगता है। अब जैसे ही मसाला फ्राई हो जाता है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इससे क्या होगा, मसाला जलेगा भी नहीं और अच्छे से फ्राई भी होता जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तेल सेपरेट होके दिखने लगा है, इसका मतलब है कि मसाला बिल्कुल रेडी है।
एकदम, और अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। रेसिपी बहुत आसान है, जरूर बनाइएगा, बस 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। जैसे मसाला तैयार हो गया तो मैंने जो कटहल और आलू फ्राई करके रखे थे वो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। अब इस मसाले के साथ कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह से मैं इसको फ्राई करूँगी। इससे मसाले का जो फ्लेवर है ना वो कटहल और आलू के अंदर आ जाता है। देखिए अच्छे से कर रही हूँ और आप इसका कलर देख रहे हैं कितना अच्छा आया है। अभी से लग रहा है कि रेसिपी बहुत टेस्टी होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इजी रेसिपी है और छोटे छोटे जो मैं टिप्स बीच में बोलती हूँ ना वो आपसे मिस ना हो जाए। तो देखिए अब अच्छे से जो है ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, उतना ही पानी ऐड करना है ताकि कटहल आलू जो है ना वो थोड़ा थोड़ा इसमें डूबा हुआ हो, और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको करछी से मैं थोड़ा सा चला लेती हूँ इसमें करछी, और इसको जैसे ये उबलने लगता है गैस का फ्लेम एकदम कम करने के बाद इसको मैं अब ढक के पकाने वाली हूँ, क्योंकि जो आलू और कटहल है ना वो थोड़ा सा सीजा नहीं है ज़्यादा, इसलिए सिझाना ज़रूरी है। इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको मैंने ढक के पकाया है। 10 मिनट के बाद मैं देख लेती हूँ कि ये कितना सीजा है। एक बार बीच में करछी जरूर चला लूँगी। थोड़ा सा अभी बाकी है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको दोबारा भी ढक के पकाया है। सेकेंड टाइम जब ढक्कन खोलती हूँ तो देखिए कटहल और आलू जो है एकदम सीज के तैयार है। अब इसमें मैंने जो प्रॉन फ्राई करके रखे थे वो इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से चलाऊंगी, और इसको भी मैं अभी 5 से 7 मिनट तक ढक के पकाऊंगी ताकि मसाले का फ्लेवर प्रॉन में भी आने की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी इसलिए मैंने बचा के रखा है, एकदम सूखा नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको अच्छे से मिक्स किया और मैं इसको अब फिर से ढकने वाली हूँ, तो इसको मैं फिर से ढक दूंगी। फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक एक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब देखिए 5 मिनट हो चुके थे, ढक्कन खोल दिया मैंने और रेसिपी एकदम बनके तैयार है। फ्रेंड्स ये देखिए क्या मस्त बनी है, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि रेसिपी बहुत अच्छी है। अब गैस ऑफ कर दिया है, 2 मिनट ढकने के बाद इसको मैं सर्व कर लूँगी। अगर फ्रेंड्स आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बहुत अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई भी नई रेसिपी अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अब एक नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा फिर से मिलने के लिए आऊँगी। तब तक आप लोग खुश रहें और मस्त रहें।